पिछले वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया था मैं, उसके लिए माफी मांगता हूँ। टेक्निकल फॉल्ट के कारण रह गया था सेकंड पार्ट, उसको कंटिन्यू करने लगे हैं। सेकंड पार्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे जो आपके लिए जरूरी है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले और वेरिफिकेशन के टाइम पर। नेक्स्ट है शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास एससी एंड बीसी, पंजाब एससी एंड बीसी रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट एक्ट 2006, इसके अनुसार डॉक्यूमेंट ये तैयार करने होंगे। तो कास्ट फर्स्ट पॉइंट है, क्या होना चाहिए? कास्ट क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट में। अच्छा, मैरिड फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, इनको समझने के लिए ये डायग्राम बनाया है। इंटरेक्शन इफेक्ट है, अगर सर्च पढ़ना चाहते तो ये फीमेल यहाँ वेरिएबल है, कास्ट यहाँ वेरिएबल है। फीमेल के दो लेवल है, जैसे मैरिड फीमेल कैंडिडेट है, ये रख लिया हमने, इसको नहीं कलर चेंज रखेंगे, ये वाला ब्लू वाला, ओके। मैरिड फीमेल, अनमैरिड फीमेल, यहां पर हो गई जनरल, कास्ट हो गई जनरल, और यहां हो गई एससी। एससी की जगह पर आप बीसी भी ले सकते हो जो साथ में उसकी थी, लेकिन एससी की एग्जांपल लेके हम समझेंगे। अब ये देखना है कि जो अनमैरिड फीमेल है इस कैटेगरी में आ रही, इसकी बात नहीं है, इसको देख लें बात किसकी की गई है। मैरिड फीमेल कैंडिडेट, ये हो गई जनरल मैरिड और जनरल अनमैरिड, और ये होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको टिक करेंगे, मैरिड एंड एससी। नेचुरली इनका नाम, हस्बैंड का नाम मेंशन होना चाहिए सर्टिफिकेट में, जो सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस कर रहे हो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, ओके। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहां बताई गई है नेम ऑफ द हस्बैंड इज मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है शुड प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट्स, ज्यादा भी हो सकते हैं, विच बियर द नेम ऑफ हर फादर। जो ये कैंडिडेट है, इसके फादर जो हैं, फादर कौन से, जिन्होंने जन्म दिया है वो वाले फादर, उनका नाम एज ए प्रूफ में पेश करने वाले एक या अधिक सर्टिफिकेट कोई आपको देने होंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि जो फादर हैं, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ हर फादर, ये इनका सर्टिफिकेट फादर का भी, कास्ट का, एक कास्ट का सर्टिफिकेट, फीमेल जो मैरिड है वो, उन पर हस्बैंड का नाम और फादर के नाम के प्रूफ प्लस फादर का कास्ट सर्टिफिकेट। क्या प्रॉब्लम क्या है कि ये पॉसिबिलिटी है अनमैरिड की, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपने पापा के पास रह रहे हैं। जब पॉसिबिलिटी क्या है कि एससी कैटेगरी से एससी कैटेगरी में भी मैरिज हो सकती है, एससी कैटेगरी से जनरल में भी मैरिज हो सकती है, जनरल से एससी में भी मैरिज हो सकती है। तो इसको इंश्योर करने के लिए कि जो रिजर्वेशन का रूल है कि उनके फादर जो हैं, जिन्होंने जन्म दिया है, वो इस कैटेगरी से चाहिए, वो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट आपको उस वक्त प्रोड्यूस करने होंगे। अगर आपने अभी तक ऐसा सोचा नहीं है या क्लियर नहीं है तो ये कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा, अगर आप ये फेल टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट, द कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम हिज कैटेगरी। अगर आप ये प्रोड्यूस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं करते तो आप रिजर्व कैटेगरी में, आपको नहीं गिना जाएगा, आप जनरल कैटेगरी में आपकी मेरिट बनेगी, आप उसका फायदा नहीं उठा सकोगे। नेक्स्ट है पॉइंट, सर्टिफिकेट ऑफ बीसी एंड ओबीसी वैलिड। पहले बात इंटरेक्शन की हो चुकी है, ये इंटरेक्शन इफेक्ट है, वेरिएबल उनके लेवल, वेरिएबल उनके लेवल, और इनकी बात की थी, इसकी जगह आप बीसी की बात भी कर सकते हो, ये क्लियर पॉइंट, बीसी के लिए भी ये सारा कुछ जरूरी है, ये समझ लेना चाहिए। उसके बाद बीसी कैटेगरी या अदर बैकवर्ड क्लासेस का वैलिड इसलिए होगा अगर वो, एक और शब्द यूज किया जाता है, एन
सी एल नॉन क्रीमी लेयर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। उसके लिए ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को एक अंडरटेकिंग देनी होगी, एफिडेविट देना होगा, जिसमें क्या लिखा होगा, देयर इज नो चेंज इन हिज और हर स्टेटस। एंड स्टेटस मीन जो अपवर्ड मोबिलिटी होती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है हमारा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। आप लोअर से हाई की तरफ जा सकते हो, जिसे सोशियोलॉजी में मोबिलिटी भी कहते हैं। ओके, ये कंसेप्ट है अपवर्ड मोबिलिटी, ये अपवर्ड। आप लोअर से, आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपका स्टेटस चेंज हो गया है। चेंज होने एक क्राइटेरिया उसका लिखा है कि टोटल 8 लाख से अगर फैमिली की टोटल 8 लाख से अधिक आपकी इनकम होती है तो आपका स्टेटस नॉन क्रीमी लेयर से, यहां तक आप हो, रेड यूज करेंगे यहां, नॉन क्रीमी लेयर यहां है। अगर आप यहां आ गए हैं 8 लाख से प्लस, तो आप क्रीमी लेयर में आ गए हो। क्रीमी लेयर पर आने पर आपको ये बेनिफिट जो बीसी कैटेगरी है किसी भी पोस्ट के लिए, जैसे ये पोस्ट भी निकली है, उसके लिए आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते। तो क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे? इसके लिए गवर्नमेंट ये प्रूफ मांगेगी कि अंडरटेकिंग देनी होगी, देयर इज नो चेंज इन हिज और हर स्टेटस, चेंज इन द फॉर्म ऑफ अपवर्ड, ओके, एंड दैट ही और शी डज नॉट कम अंडर क्रीमी लेयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब आपके वो डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं तो आप कहीं पहले से अमीर तो नहीं है, 8 लाख से टोटल फैमिली की इनकम ऊपर तो नहीं है, मतलब क्रीमी लेयर में तो नहीं रह रहे। ये पॉसिबल है कि आप रह क्रीमी लेयर में रहे हो, लेकिन बता इसमें रहे हो क्योंकि आप बेनिफिट लेना चाहते हो, तो गवर्नमेंट इसकी वेरिफिकेशन करेगी। इसको आपको एथिकली आपको सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन कोटा, ये इनकी टेक्निकल एक लेटर है, उसके अनुसार आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द लेटर नंबर ऑफ, ये लेटर नंबर देख सकते हैं स्पेशल रेफरेंस, मेरे ख्याल में जो सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन है, उनको ये पता होगा, इसलिए यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको हम PWD, दिव्यांग भी वैसे बोल देते हैं, PWD इनकी शॉर्ट फॉर्म है। इनको क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वाइड लेटर नंबर दिस एंड दिस, इसके अनुसार आपने अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट तैयार करवाना है। दूसरा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद द इंडिकेशन ऑफ लेवल और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी दैट शुड नॉट बी एटलीस्ट 40% से डिसेबिलिटी अगर कम होगी तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपकी डिसेबिलिटी का लेवल कितना है। रिजर्वेशन ऑफ फॉर फीमेल, ये जरूरी है। पंजाब गवर्नमेंट ने 2020 में है कि रिजर्वेशन इनको फीमेल को दी है, उसके अनुसार आपकी रिजर्वेशन जरूरी है। इसके लिए भी आप इसको समझ लें, ये रहा आपका इंटरेक्शन, जैसे पिछला समझा था वैसे ही अब इनको समझेंगे। ये हो गया जेंडर, ये करेंगे इसको, ए रेड है ये तो, जा यार ग्रीन थोड़ा सा तो चेंज कर लो भैया। ओके, जेंडर हो गया मेल फीमेल, और दूसरा हो गया यहाँ पर आपका इकोनॉमिक स्टेटस, ES डाला है इकोनॉमिक स्टेटस से, ये हो गया हाई इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब नहीं चलो यहाँ लिख लेते हैं वीक, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऐसे लिखते हैं, ठीक। गरीब, ये अमीर, ये स्ट्रांग हो गए जो, ठीक है। तो रिजर्वेशन दो तरह की है, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस की। एक तो सिर्फ फीमेल की है, फीमेल आप कोई भी हो, स्ट्रांग स्टेटस, अमीर से हो या गरीब से हो, उनकी रिजर्वेशन है सिर्फ फीमेल होने की, ठीक है। एक दूसरी है जो यहां पर वीकर सेक्शन है और फीमेल है, इनकी इनकी रिजर्वेशन अलग से है, ठीक।
तो ये देखना है फीमेल की भी, अगर आप फीमेल हो आपकी रिजर्वेशन है, अगर फीमेल के साथ आप ये भी हो गरीब भी हो तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा को बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए आपको नेचुरली ये सर्टिफिकेट चाहिए कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का इन्होंने लेना है। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के मेल भी हो सकते हैं, इनकी भी रिजर्वेशन होगी, फीमेल की भी होगी, सिर्फ किसकी नहीं है, जीरो ठेंगा किसे मिलेगा, ये जो मेल है स्ट्रांग है स्ट्रांग है ऐसी बातें सुन के स्ट्रांग रहेंगे। तो दिस इज रिजर्वेशन ऑफ जनरल कैटेगरी। फीमेल के होने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, फीमेल हो आप, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो आप तहसील से लगा ये आपको अब तक बना लेना चाहिए। तो एक बात ये याद रखनी है कि ये जो फीमेल है ये इधर आ सकते हैं, है ना, स्ट्रांग में वीक वाले स्ट्रांग में आ सकते हैं। अच्छा जो फीमेल है जनरल मेल वाले में जा सकते हैं। अच्छा ये जो फीमेल है इनकी लिस्ट में भी जा सकते हैं, सिर्फ ये कहीं नहीं, ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, इस बात को समझ लेना है। नेक्स्ट चलेंगे समझेंगे कि अच्छा 33% रिजर्वेशन ऑफ फीमेल कैंडिडेट पर नोटिफिकेशन ऑफ 21st अक्टूबर 20। ओके ये बात हो चुकी है। एक कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल विल बी प्रिपेयर्ड, पहले कॉमन होगी उसके बाद आपकी कैटेगरी के अनुसार जैसे भी क्राइटेरिया बनाते हैं, ये मुझे भी पूरा क्लियर नहीं है अभी तक। अच्छा गवर्नमेंट इम्प्लाइज को क्या चाहिए, गवर्नमेंट इम्प्लाइज जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीच कर रहे हैं उनको प्रोड्यूस सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड टू द इफेक्ट दैट नो डिसिप्लिनरी एक्शन। ये सारे का मतलब यही है कि आपका एथिकली आप स्ट्रांग चाहिए, मॉरली इमोरल कुछ नहीं किया होना चाहिए। इसको नो डिसिप्लिनरी एक्शन इज पेंडिंग अंडर और अंडर कंसिडरेशन अगेंस्ट द कैंडिडेट, ये आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा जो जहां पर आप जॉब कर रहे हो वो जो गवर्नमेंट कॉलेज में टीच कर रहे हैं, याद रखना है। इट हैज नॉट बीन अवार्डेड पनिशमेंट, ओके हाँ सॉरी, इनको पनिशमेंट कैंडिडेट को आपको कभी नहीं मिली अंडर पंजाब सिविल सर्विस रूल 1970 के अधीन और एनी और कोई भी ऐसा रूल है उसके अधीन। इज नॉट फेसिंग एनी ट्रायल ऑफ कोर्ट, आप कोर्ट कचहरी के ट्रायल नहीं भुगत रहे। प्रोवाइड इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट को समझना है तो आप अपना वो जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है उसके इक्वल इसको समझ सकते हैं। इसमें क्या है कि आपकी यहाँ पर करके ऐसे करके ये कर लेते हैं ये वाला, ठीक है, तो ये ऑनेस्टी सॉरी ये वाला ये ऑनेस्ट होने चाहिए आप और आपका स्ट्रांग मॉरल एथिकल प्रिंसिपल ट्रूथफुलनेस, यही डेफिनेशन में आ रहा है कि आपका मॉरल करेक्टर जो है जिस कॉलेज में आप टीच कर रहे थे वो बना हुआ है, आपने कोई भी इमोरल एक्ट नहीं किया, आपको पनिशमेंट नहीं मिली, आपका डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं चल रहा, आप कोर्ट के चक्कर नहीं काट रहे ड्यू टू कॉलेज का कुछ केस नहीं चल रहा, तो HOD से आप ऐसा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करोगे तो आपको जो मार्क्स मिलने हैं वो तभी मिलेंगे, अदरवाइज ओ सॉरी। नेक्स्ट है ये हो चुका है। सो ये थे सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गवर्न्ड बाय द न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एज पर पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। ये जो आपको पेंशन मिलेगी ये तो अभी चिंता की कोई बात नहीं है, अभी तो लाइन में लगे, अभी तो बस जॉब मिल जाए इतना ही काफ़ी है। तो मेरी कोशिश है, मैं एक रिक्वेस्ट है कि जो टीचर मेरे से जुड़ रहे हैं अब वो जुड़े रहिए, मैं कोशिश करूँगा फ्यूचर में टीचिंग रिलेटेड आपकी स्किल्स इंप्रूव हो, टीचिंग स्किल्स इंप्रूव हो, बेशक आप पेरेंट हो बेशक टीचर हो, अपने बच्चे को वो किसी की भी एज का है उम्र का है उनको आप नई जो फंडामेंटल थ्योरीज आ रही हैं वर्ल्ड वाइड जहाँ जिस कंट्री का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है जो वहाँ अप्लाई की जाती है, जहाँ बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं उनके बेस पर आप टीचिंग को कैसे पेरेंट अपने पेरेंटिंग को मतलब बच्चे की पालना
अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं, छोटी छोटी स्किल्स ऐसी डिस्कस करूंगा, प्रेजेंट करूंगा जो सच में आप अप्लाई कर सको। अगर आप चाहते हो कि इसका बेनिफिट, अगर आप अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी पेरेंटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो और अपनी लाइफ के भी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें पेश करूंगा कि आप अप्लाई कर सको। अगर ऐसा आप चाहते हो तो आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं और लोगों को भी जोड़ सकते हैं। मुझे फीडबैक दीजिए, सुजेशन दीजिए, क्योंकि जो मैं अच्छी बातें करूंगा उसको उसको अपनाने वाले नहीं मिल रहे हैं। अभी नीड बेस्ड काम चल रहा है, जैसे जॉब की ये नीड है तो आप जुड़ रहे हो, तो मैं चाहता हूँ लाइफ के लिए, टीचिंग के, पेरेंटिंग के लिए, तीनों के लिए आप जुड़िए। मुझे सुजेशन दीजिए, आपके पास कुछ अच्छे ऐसे नुक्ते हैं, स्किल है, आर्ट है, वो भी शेयर कीजिए। हम एक ऐसा ही हब वेब बना सकते हैं जिससे हम सभी को अच्छी शेयरिंग करके एक अच्छी अपवर्ड मोबिलिटी, अपवर्ड जो है स्किल की तरफ, बेटर टीचिंग, बेटर पेरेंटिंग एंड बेटर लाइफ की तरफ ले जा सकें। थैंक यू।